हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आपकी भी लिपस्टिक अगर स्मज होती है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं हूँ, मैं बताऊँगी। आपको लेनी है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को पहले लिपस्टिक पे इस तरह से जो दबाना है होठों की जो एक्स्ट्रा हटा देना है, फिर लगाना है आपको कोई पाउडर। पाउडर को इस तरह से ब्रश से आपको हटा देना है थोड़ी देर रखने के बाद। और अब देखिए, आप इस तरह से करोगे तो आपका बिल्कुल स्मज, अगर आपका भी जो काजल है वो लगाने के बाद स्मज होने लगता है तो आपको कोई भी लूज पाउडर लेना है, पहले अपने अंडर आई एरिया के नीचे की साइड, काजल के साइड लगा देना है अच्छे से। और फिर लेना है आपको एक आई शेडो, और आई शेडो को जो आपको जो काजल है उसके नीचे आपको एक ब्रश की हेल्प से स्मज कर देना है, अच्छे से लगा देना है आई शेडो को, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का। आपको काजल को कभी इनर कॉर्नर में नहीं लगाना है, वहाँ से वाटर की वजह से वो खराब होने लग जाता है। और फिर इस तरह से फिंगर से आप ब्लेंड भी कर सकते हैं। और अब ये देखिए, आपका काजल स्मज नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कॉन्टोरिंग करनी है और आपके पास कॉन्टोर अवेलेबल नहीं है तो आप या तो आपका ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल या लिप लाइनर आप एज ए कॉन्टोर के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कार्ड चाहिए होगा, बिंदी का पत्ता भी यूज कर सकते हैं। मैं बिंदी का पत्ता यूज कर रही हूँ। और आपको ऊपर ईयर से और लिप्स का जो बीच का जो पार्ट है उधर ऐसे करके आपको रखना है, और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर फिंगर से ब्लेंड कर देना है। सेम दूसरी साइड में भी आपको करना है, बहुत ही ईजी वे में इस तरीके से आप अपना कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, चिक्स की कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो अपने फोर हेड की भी कर सकते हैं। हल्का सा आपको लगाना है पेंसिल को और फिर फिंगर से ब्लेंड कर देना है। हाय फ्रेंड्स, तो ये है एक नेकलेस, और इसके साथ आज हम कुछ न्यू करते हैं, और इसकी मैं बनाऊंगी एक DIY माथा पट्टी। और आपको नेकलेस में जो बीच में एक हॉल है वहाँ पर आपको इयर रिंग लेना है कोई बड़ा, और उसको इसके अंदर डाल के पीछे से उसका हुक लगा देना है। हल्का सा उसे पीछे से मोड़ दीजिए ताकि आपके चुभे ना। और इस तरह दोनों साइड हेयर पिन लगाकर और नीचे की साइड से डोरी को बिल्कुल टाइट से कर देना है। और आपकी ये देखिए DIY माथा पट्टी रेडी है। और इस तरह से आप इसे एज ए हेयर बैंड के रूप में भी यूज कर सकते हैं पीछे की साइड करके। और तीसरे में आप इसमें इस तरह से एक लेना है, आपको कोई भी टीका ले सकते हैं। यहाँ मैं बोलना ले रही हूँ, और इसको पीछे की जो इसकी साइड में हुक होता है उसको इसमें अटैच कर देना है, और इस तरीके से फिर से हेयर पिन से सिक्योर कर देना है। और ये भी आपकी एक ब्यूटीफुल सी राजस्थानी वाली माथा पट्टी रेडी है। फ्रेंड्स, तो आज हम साड़ी को एक स्टाइल में ड्रेप करेंगे। आपको नॉर्मली पहले साड़ी को इस तरह से रैप कर लेना है, और साइड से सारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर डाल देना है, और दूसरी साइड इस तरह से आपको फिंगर की हेल्प से प्लेटें बनानी है, और एंड तक प्लेटें बनानी है थोड़ी। और फिर इसको इस तरह से प्लेटों को चारों तरफ फैला लेना है आगे की साइड, और फैलाने के बाद जो ये पोर्शन बचा हुआ है पल्ले वाला, इसको हैंड के पीछे से ऐसे आगे की साइड लेके आना है, और फिर नेक के पीछे ले जाकर और एक पिन से आपको सिक्योर कर देना है आगे की साइड में। आप इस तरह से दोनों पार्ट्स को एडजस्ट करके और एक पिन लगा सकते हैं, तो एक आप इस तरीके से पहन सकते हैं, सेकंड आप आगे वाले पिन को खोल के इस तरह से एक बेल्ट की हेल्प से भी इसे पहन सकते हैं। तो ये एज ए गाउन की तरह इसका लुक आता है, और ये एक न्यू स्टाइल में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। गाइज, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता कि अपने हेयर स्टाइल कैसे बनाएं, तो इस तरह की हेयर पिन आती हैं मार्केट में। आपको बस आपके हाफ हेयर लेने हैं, हल्का सा ऊपर उठाते हुए, और बस उस पिन को आपको अटैच कर देना है। इस तरह से लॉक लगा देते हैं पिन का, और ये नगों वाली पिन होती है और साड़ी पर काफ़ी अच्छी लगती है, इसी तरह आसानी से खुल भी जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह के जो गजरे आते हैं इनको लगाने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इसमें बांधने के लिए कुछ नहीं होता, तो आपको लेना है थ्रेड ब्लैक कलर का, और इस तरह इनका जो छेद होता है इसमें इसको डालना है और एक नॉट बना देनी है। दूसरी साइड से भी सेम करना है, तो इससे अब आप इसको आसानी से बांध सकते हैं अपने बन में। फ्रेंड्स, आपको ओपन हेयर रखने हैं और पल्लू टिकता नहीं है, तो आपको पहले एक नॉर्मली हेयर पिन लगानी है बालों में, फिर दुपट्टा देखना है कहाँ की साइड आता है, वहाँ की साइड आपको लगा लेनी है साड़ी पिन, और फिर एक टिकटॉक पिन लेके और इस तरह से पिन के अंदर और उस हेयर पिन के अंदर आप लगा देनी है।